बिहार के समस्तीपुर में नदी में डूबे असम राइफल्स के 3 जवान। स्थानीय लोगों ने 2 जवानों का रेस्क्यू किया। नदी में डूबे तीसरे जवान की तलाश में जुटी SDRF टीम। आंध्र प्रदेश के पलानू में लॉरी में टक्कर मारने के बाद बस में लगी भीषण आग। 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 20 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई में घाटकोपर होर्डिंग्स हादसे में 2 और शव बरामद। हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 16 पहुंची, NDRF ने जानकारी दी। मुंबई में पूर्व पत्रकार केतन तिरोड़कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डिप्टी CM फडणवीस को धमकी देने और बदनामी करने का आरोप। कोर्ट ने 3 दिन पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई में सांसद नवनीत राणा के फ्लैट से चोरी। रवि राणा का घरेलू नौकर 2 लाख रुपए कैश चोरी कर हुआ फरार। मुंबई के खारपुर स्टेशन में दर्ज की गई FIR। जम्मू कश्मीर के सांबा में जम्मू पठानकोट NH पर हादसा। सड़क पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी सवार 2 साधुओं की मौत हुई। राजस्थान के झुंझुनू में लिफ्ट टूटने की घटना में एक की मौत। SDRF ने एक जवान के मुताबिक एक शव निकाला। 14 लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं यमुनोत्री धाम। गुरदासपुर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए 2 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। BSF जवानों ने ली तलाशी, कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रात में एक संदिग्ध शख्स के देखे जाने के बाद हरकत में सुरक्षा बल। जखोले जुथाना फॉरेस्ट रेंज में सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के तरनतारन में बॉर्डर पर BSF ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। टूटी हालत में ड्रोन बरामद। एक पैकेट में करीब 550 ग्राम ड्रग्स बरामद। दिल्ली के शकरपुर थाना इलाके में एक गोदाम में आग लगी, एक शख्स की जलकर मौत हुई। बरेली में लूट के दौरान विवाहिता की गोली मारकर हत्या। पति को भी पीटा गया, ग्रामीणों ने जाम लगाया। MP के दमोह में बैंक से लाखों रुपए की लूट। लूट की रकम के साथ पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर बतियारगढ़ ब्लॉक में मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हुई है लूट। जम्मू कश्मीर में LOC पर मेजर सेक्टर में जंगलों में लगी आग। सुरक्षा बलों ने 7 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोटा में अपनी PG रूम में लापता छात्र UP के कुशीनगर में मिला। बिहार के रहने वाले 19 साल के अमन को पुलिस ने ढूंढ निकाला। गुजरात के नर्मदा जिले में पोईचा गांव में नदी में डूबे 8 लोग, इनमें से 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस और स्थानीय लोग नदी में कर रहे हैं तलाश। गुजरात के मांडवी में किसानों ने पावर ग्रिड के खिलाफ आंदोलन किया। वीरपुर गांव में खेतों में खंभों को लगाने का विरोध किया। 16 से 18 मई तक पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हीट वेव का अलर्ट। अगले 5-7 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं। डल झील की तर्ज पर बांदीपुर की उलट झील का भी पुनर्निर्माण हुआ। देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलट झील।